सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल, वेलकम बैक टू माय वीडियो। जैसे कि आज भाई बहुत दिनों बाद मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि मेरी कुछ दिनों से तबीयत ठीक नहीं थी और आज है बर्थडे मेरा, तो आज बर्थडे सेलिब्रेशन करेंगे। आज का पूरा ब्लॉग हम लोग बर्थडे सेलिब्रेशन में गुजारेंगे। और अभी बज रहे हैं सुबह के 10:56 और लेट उठा हूँ क्योंकि मेरी तबीयत थी खराब। और अब हम लोग जा रहे हैं सुबह ब्रेकफास्ट करने। ब्रेकफास्ट करने के बाद थोड़े यहाँ चीज़ें चेकआउट करनी है, बर्थडे के लिए चीज़ें देखनी, और आज का दिन का पूरा ब्लॉग बर्थडे सेलिब्रेशन में ही निकल जाएगा। तो आज का थोड़ा सा मस्ती भरा हुआ, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग, थोड़ा सा धमाकेदार ब्लॉग। शाम को हम लोग बैचलर पार्टी करेंगे क्योंकि घर पे मैं ही रहता हूँ, इसीलिए आज थोड़ी बैचलर पार्टी। तो आज का दिन थोड़ा सा डाउन डाउन सा है क्योंकि मेरा जुकाम है, बट आज का दिन हम लोग अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे। और आज का दिन ऐसे ही प्लान किया, छोटा कुछ चीज़ें प्लान की वो लेनी है, दिवाली आ रही है इसलिए। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए चलते हैं बाइक पे और आगे की बातें करते हैं। बाइक, लेट्स गो। सो ये रही अपनी बाइक, दो तीन दिनों से कवर खड़ी है। ओहो, मच्छर ही मच्छर। ये नया क्लॉथ लिया है मैंने बाइक को करने के लिए क्योंकि पुराना क्लॉथ हो गया था थोड़ा सा रफ। फाइनली आज बाइक स्टार्ट करते हैं हम लोग दो तीन दिनों बाद। ये स्टार्ट हो गई। सो बाइक थोड़ी सी हो जाती है कोल्ड स्टार्ट तब तक। और अभी हम लोग के हाल ही चैनल पे एक दो दिन में एक अच्छा सा ट्रिप आने वाला है, तो उसको मिस मत करना। जल्दी अच्छा सा ट्रिप आने वाला है हम लोग के चैनल पर। अभी जा रहे हैं ढाबे पर चाय और नाश्ता करने सुबह का। चलो चलते हैं। ये बॉय, मौसम आजकल भाई इतना खतरनाक चल रहा है कि वायरल किसी को भी बहुत जल्दी पकड़ ले रहा है। हल्का सा भी अगर आप लापरवाही कर देते हो तो आपको तुरंत की तुरंत ही वायरल हो जाता है। वैसे जैसे मुझे हुआ है, तो मेरी वॉइस थोड़ी सी चेंज लग रही होगी। मैं 3-4 दिनों से बहुत ज़्यादा ही मतलब तबीयत ख़राब सी थी, अब ज़्यादा रिकवर कर पाया हूँ, तो इसीलिए अब टाइम मिला है ब्लॉग करने का अच्छे से। ये रहा ढाबा, आ गया, फाइनली आ चुके हैं ढाबे पर। खाली है आज पूरा ढाबा। तो ये है हमारे साथ हमारे भाई जो मुंबई से आए हैं। चाय पीते हैं। A few moments later. तो अपना चाय हो चुका है, अब हम लोग जा रहे हैं लंच करने। तो मैं आया हूँ लाखन की गली मिर्चाराम। आ गए हैं मिर्चाराम लॉक। चलो यहाँ से पर कूपन और आगे से क्या खाया जाए। मेनू कहाँ पे? छोला पुलाव लेते हैं। दो छोला पुलाव कर दो। हाँ, दो छोला पुलाव ऑनलाइन कर दे। 150 कूपन ले लिया है। छोला पुलाव खाया जाएगा सुबह सुबह। क्या कह रहे? नहीं नहीं नहीं, अंदर ये देख रहे हो इधर। खाना है। और एक और दो थे ना, इसमें रायता रख देना। थाली लेके पहुँचते हुए खोले रहना, गेट खोले रहना, हम वीडियो बना रहे हैं। कहाँ पे? हाँ, ये खाली मिल गया, ये बात। चलो हेलमेट निकालते हैं, खाना खाते हैं। A few inches later. खाना कर लिया फिनिश। और भाई सर्विस बहुत बेकार। खाना तो स्वाद था बट कह सकते हैं ना सर्विस अच्छी नहीं थी। तो अब चल रहे हैं हम लोग यहाँ से। ये अपनी खड़ी है N16 में प्यारी से। चले। सो ढेर सारा सामान खरीदने के बाद और सारा सामान लेने के बाद हम लोग जा रहे हैं घर। अभी घर जाके आज मुझे बहुत मैसेज आया है यार बर्थडे विशेष के, इंस्टा पे इधर उधर बहुत आए हैं। आज का पूरा दिन भाई ऐसे ही जाने वाला, पूरा पार्टी वाला दिन ऐसे ही है। अब पता नहीं चल रहा कि आज मेरा बर्थडे, पता ही नहीं, कुछ खास नहीं होता। बस ये होता है कि मोमेंट आप बनाते हो तो मोमेंट बनता है, ऐसे कुछ डे पर डिपेंड नहीं करता। ठीक है, तो खास मोमेंट खास दिन होता नहीं, खास दिन बनाया जाता है उसको। तो अभी जा रहे हैं घर के लिए और घर जाके करेंगे थोड़ा सा रेस्ट। तो आगे कंटिन्यू करते हैं ब्लॉग। तो शॉपिंग करने के बाद घर पे आके मैं थोड़ी देर 1 घंटा सोया हूँ और टाइम हो गया है 3:29। ठीक, टाइम हो गया 3:29 और मैं थोड़ी देर सोया। उसके बाद खूब इंस्टा पे ढेर सारे मैसेज विशेज आए लोगों के, भाई उसके लिए बहुत सारा सपोर्ट रहता है सबकी तरफ से। और कुछ लोग बहुत सारे विशेज भेजे और सबसे मेन चीज़ ये हुई कि भाई एक पर्सन था मुझे बहुत मैसेज किए, बोला कि आपसे मिलना है अभी आज विशेज। तो मैंने सोचा क्या है मतलब कैसा क्या, तो उसने सबसे मेन चीज़ ये बोली कि आपके लिए गिफ्ट रेडी किया है हमने आज। तो मतलब भाई एज अ सब्सक्राइबर एक गिफ्ट हमारे लिए आज बर्थडे पे हमारे लिए किसी हमारे सब्सक्राइबर ने रेडी लिए, हमको बुलाया जा रहा है कि भाई आप यहाँ पे सम प्लेस पे आके मिलो। तो अभी मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी कांटेक्ट किया उनको, तो मैं अभी जा रहा हूँ बाइक से। और सबसे मेन चीज़ ये है कि अभी मतलब कोई सरप्राइज ये सरप्राइजिंग टाइप का रहा है कि मैं आराम से सो रहा था, इंस्टा पे ढेर सारे मैसेज आए कि भाई आपका गिफ्ट रेडी है, आपके लिए गिफ्ट बनाया है, समथिंग समथिंग, आपका बर्थडे पता था, ऐसे ऐसे करके सब मतलब। तो अभी जा रहा हूँ मैं गिफ्ट रिसीव करने, देखता हूँ कैसा क्या है। मैं भी फर्स्ट टाइम इतना अच्छा मतलब सब्सक्राइबर भैया गिफ्ट पे विश कर रहे हैं बर्थडे पे, तो बड़ी बात है। तो जल्दी चलते हैं और आगे की बातें करते हैं बाइक पे, क्योंकि भाई वो भी वेट कर रहे हैं जो भी हैं हमारे सब्सक्राइबर। तो जल्दी पहुँचते हैं और कंटिन्यू करते हैं आगे का ब्लॉग। सो फाइनली हम लोग आ चुके हैं बाइक पे। थोड़ा सा डस्टी हो गई थी तो अभी मैं बाइक थोड़ा सा क्लीन कर ले रहा हूँ ऐसे ही आज। और अभी जा रहा हूँ भाई सब्सक्राइबर से मिलने। आज भाई क्या दिन है, आज का दिन तो मस्त सरप्राइज सरप्राइज ही मिलना है आज अपने को।
तो अभी जा रहे हैं हम अपने सब्सक्राइबर से मिलने, टाइम हो रहा है 3:30 और मैं सो रहा था जस्ट, तो भाई ढेर सारे वैसे विशेज आए लोगों पे, तो लोग विशेज करें, मैं ज़्यादा इतना शो ऑफ नहीं करता हूँ, मतलब मेरी प्रोफाइल पे भी नहीं लिखा है कि आज मेरा बर्थडे ऐसा ऐसा सीन, बट लोगों को पता जाता है। और आज है 22 अक्टूबर, तो भाई हमारा जन्मदिन 22 अक्टूबर का हुआ था रात को, तो अभी जा रहे हैं सब्सक्राइबर से मिलने, हमने लोकेशन बता दी है कि हम वहीं पर आके आपको आपसे मिल लेंगे, तो वो हमारा वेट कर रहे हैं भाई। और पता नहीं क्या भाई गिफ्ट रेडी कर रखा है भाई लोगों, इतना सारा सपोर्ट भाई अभी से मिल रहा है, क्या ही बोले। तो इतना वो सबसे मेन चीज़ ये अच्छी लगी मुझे कि भाई उन्होंने जो भी थे उन्होंने ये कहा कि भाई आपके लिए हम सारे वीडियोज़ आपके देखते हैं, सारे वीडियोज़ लाइक करते हैं, तो मुझे बहुत हैप्पी बहुत अच्छा लगा। और ये लगा कि हाँ मैं कुछ वर्क कर रहा हूँ तो उसका कुछ आउटपुट रिज़ल्ट मिल रहा है मुझे, तो ये अच्छा सुन के अच्छा लगता है जब कुछ आप मेहनत वाला वर्क करते हो और लोग आपके काम की कदर करें, तो आपको सबसे अच्छी फीलिंग वही होती है। तो मैं अंदर से बहुत एक्साइटेड हूँ कि भाई फर्स्ट टाइम मुझे बर्थडे पे कोई, मतलब मेरे फ्रेंड्स तो ऐसे ही थोड़ा बहुत नॉर्मल गिफ्ट दे ही देते हैं, बट आज कोई बाहर या मेरा सब्सक्राइबर मुझे गिफ्ट देगा तो बड़ी बात है यार। तो वही आज मैं भी बड़ा हैप्पी हैप्पी सा फील कर रहा हूँ अंदर से कि आज कोई सब्सक्राइबर मुझे गिफ्ट देने जा रहा है, तो देखते हैं क्या गिफ्ट मिलता है भाई हमको। और आप भी लोग चेकआउट करें कि क्या होगा गिफ्ट, तो जल्दी से चलते हैं और फटाफट से मिलते हैं सब्सक्राइबर से अपने, फटाफट से पहुंचते हैं उनके पास। तो फाइनली गाइस हमने बात कर ली, अभी उनका मैसेज आया था, जो भी हमारे सब्सक्राइबर हैं तो उनका मैसेज आया था, तो उन्होंने यही कहा है कि हम आपका वेट कर रहे हैं बिला ताली के सामने। तो भाई हम भी बड़ा सरप्राइज है, देखने जा रहे हैं, मतलब मिलने जा रहे हैं सब्सक्राइबर्स अपने, तो बड़ी बात है, देखते हैं क्या सरप्राइज मिलता है भाई और कौन है, तो उसका थोड़ा सा कौन, ये लड़का है कि लड़की है, गिफ्ट तो इसके हाथ में। हेलो, आप ही ने मैसेज किया था? अच्छा अच्छा आप मेरे वीडियोस देखते हो सारे? वाह क्या बनाया है? अच्छा आप स्केच करते हो? मेरे लिए स्केच बनाया? आपको पता था बर्थडे मेरा? पता चला मुझे बर्थडे। थैंक यू सो मच यार इतना सपोर्ट करने के लिए। खोलो खोलो आप खोलो। मेरा जुकाम भी है इस टाइम पे, तो इसलिए मैं थोड़ा। वाओ सही है यार, बहुत सही है। इस स्केच को मैं अपने रूम में लगाऊंगा कंफर्म, ये रूम में लगा रहेगा हमेशा लगा रहेगा कंफर्म। सो थैंक यू सो मच फॉर सपोर्ट, जल्दी मिलते हैं किसी टाइम, अभी मैं थोड़ा जल्दी में हूँ आज, इसको मैं बैग में रख लेता हूँ। अच्छा आप भी जल्दी में, चलो ठीक है मैं मिलता हूँ बाद में, ठीक है बाय सी या। भाई खतरनाक आज कांड हो गया मेरे साथ। तो भाई कांड हो गया गंदा वाला मेरे साथ, जिसको सोचा लड़का वो, मतलब वो लड़की निकली, तो सोचा नहीं था मैंने कि भाई सरप्राइज बड़ा खतरनाक था। तो जल्दी से मैं घर जाता हूँ, मेरे GoPro की बैटरी डाउन हो रही, पर बाकी बातें बाइक पे करते हैं घर पहुँच के। और भाई सरप्राइज बहुत गंदा बहुत खतरनाक वाला मिला है मुझे, बड़ा खतरनाक, एक्सेप्ट नहीं किया था मैंने, एक्सेप्टेशन भी नहीं लगाई थी कि ऐसा सरप्राइज मुझे मिलेगा। तो अभी जा रहे हैं घर के लिए हम। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, और फिर जब शाम को निकल आया हिमांशु और भाई के साथ कॉफ़ी पीने, सो अभी हम लोग जा रहे हैं रेस्टोरेंट, सोचा कि थोड़ा माइंड फ्रेश होगा, और टीवी देखने का भी प्लान है कि हम लोग कौन सा टीवी फाइनल कर रहे हैं बुक करने के लिए, और इसलिए जा रहे हैं शाम को नज़ारे देखते हुए कार से। मैं पीछे आराम से बैठा नज़ारे के मज़े ले रहा लेते हुए। और आज थी डेकोरेशन अच्छे से हमारे सिटी में हरदोई में, तो लाइटें बहुत अच्छे से लगी थी, तो अच्छा लग रहा था हरदोई एकदम नया नवेला सा। उसके बाद थोड़ी देर बाद हम लोग पहुँच गए विजय इलेक्ट्रॉनिक्स, जहाँ पे मैंने टीवी फाइनल कर ली। टीवी फाइनल की हम लोगों ने ये जो 65 इंच देख रहे हो ये सोनी X75L, जो कि इस टाइम पे 90 की आ रही है और डिस्काउंट में कुछ प्राइस करके हम लोग को मिल रही है। सो फाइनल भाई उसकी बुकिंग करने गए और फाइनल जो प्रोसेस हैं वो निपटा रहे हैं। तो टीवी फाइनल करने के बाद मैं निकल आया हूँ रेस्टोरेंट कॉफ़ी पीने के लिए और अच्छे से मूड फ्रेश करने के लिए, क्योंकि आज का दिन पूरा थका थका सा है, क्योंकि कहीं ना कहीं इधर उधर काम में बिजी रहने के कारण थकान सी हो जाती है, इसलिए
कॉफ़ी पीने के लिए मैं समय निकाल के थोड़ा सा आ जाता हूँ। चलो कॉफ़ी पीने के निकलते हैं और कॉफ़ी के मज़े उठाते हैं। और अभी जा रहे हैं अच्छे से, जो डेकोरेशन जो देख रहा हूँ मैं उसको देख रहा हूँ, बहुत प्यारी तरीके से जो रेस्टोरेंट में लाइटिंग और डेकोरेशन की गई वो बहुत प्यारी तरीके से की गई। फिर अंदर कदम रखते ही मैंने देखा कि भाई अंदर ज़्यादा भीड़ नहीं है और अच्छा खासा माहौल है अंदर। तो वहाँ आराम से सीट पा के बैठते हुए मैंने ऑर्डर दे दिया। मैंने ऑर्डर दिया कॉफ़ी का, क्योंकि मुझे कॉफ़ी पसंद है, और मैंने अच्छी सी शुगर कॉफ़ी मंगाई। उसके बाद सात मेहमान सो भाई और तीन लोग आराम से चाय मुझे याद आ जाती है जब मैं कॉफ़ी का देखता हूँ, बट कॉफ़ी एक अपनी जगह अच्छी जगह है। और ये कॉफ़ी के साथ ही मिलता है पाउडर शुगर ट्रस्ट कंपनी का, तो वो यूज़ करते हुए कॉफ़ी को स्वाद बढ़ाते हुए मैंने ऑर्डर कर दिए सोया चाप। सो ये गार्लिक सोया चाप थे और बारबेक्यू हुए थे, तो बहुत अच्छे लग रहे थे, कॉफ़ी के साथ परफेक्ट बैलेंस बना रहे थे। तो इसका अच्छे से मज़े लेते हुए फिर मैंने कॉफ़ी और सोया चाप का अच्छे से स्वाद लिया, जो कि स्वाद बहुत ही अच्छा था, मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ का सोया चाप। उसके बाद मैंने कॉफ़ी भी ख़त्म कर दी, उसके बाद मैं निकल गया बिल देके शाम को यहाँ से। और मज़े से हंसते हंसते हम लोग बातें कर रहे थे कि टीवी आज मिलेगी भी कि नहीं मिलेगी। तब तक ही विजय इलेक्ट्रॉनिक की तरफ से कॉल आ गया कि आपकी टीवी का जो मॉडल नंबर है वो डन हो गया और टीवी आप डिलीवर हो सकती है, आप रिसीव कर सकते हो। तो उसके लिए हम लोग निकल गए, रात हो चुकी थी, 7 बज गए थे, मुझे केक भी काटना था। और धीरे धीरे सोचते सोचते हम निकल गए यहाँ से रेस्टोरेंट से और कार की तरफ। और टीवी जा रही थी घर पे, तो मैंने सोचा चलो लगे हाथ केक भी काट लेते हैं दोस्तों के साथ। तो दोस्तों को घर पे बुलाया, ढेर सारी पार्टी की छोटी मोटी, और फिर केक हमने काट दिया उसी हाथ। और सबसे खास बात केक ये थी कि वो केक मेरे चैनल के नेम से था, जो कि मेरा लोगो था मोटोपी राइडर का। उसके बाद केक कट करने के बाद, केक सेलिब्रेशन करने के बाद हम लोगों ने खाना खाया। उसके बाद शाम को टीवी आ गई घर पे, टीवी इंस्टॉल हुई, टीवी इंस्टॉलेशन में लग गया थोड़ा सा टाइम, रात के बज गए थे 11। उसके बाद टीवी इंस्टॉल होने के बाद हम लोग ने थोड़ा सा ब्रेक लिया, फिर टीवी चेक करने के बाद। सो यही था आज अपने चैनल का और अपने बर्थडे का गिफ्ट, और मैं इसको भी अनबॉक्स कर देता हूँ साइड साइड की, अभी भी ये ऐसे ही लगे से। तो अब इसकी हुई है अनबॉक्सिंग, इसको साइड में यहाँ पे लगा देता हूँ, इससे इसके स्पेक्स भी पता रहेंगे। तो यही था आज का वीडियो, होप वीडियो को अच्छा लगा। और ये रहा अपना बर्थडे गिफ्ट सरप्राइज, बड़ा सा 65 इंच। तो जल्दी मिलते हैं अच्छी सी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। दैट्स ऑल वीडियो, थैंक्स फॉर वाचिंग, सी यू नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।